देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के साथ ही राजपुत्र सुरेश सिंह सोनग्रा का जन्म दिवस। इस अवसर को प्रतिवर्ष श्री सोनग्रा व उनके चाहने वाले अपने ही अंदाज में मनाते हैं। इंदौर उज्जैन रोड स्थित मानव सेवा ट्रस्ट में विभिन्न जगह इस अवसर पर सोनग्रा का जन्मदिन मनाया गया और कई सामाजिक कार्य किए गए। एक और जहां शाजापुर में 5100 डमरुओं के नाद से उनके चाहने वालों ने भगवान शिव की शाही पालकी का स्वागत व पूजा अर्चना की, जिसमें सुरेश सिंह सोनग्रा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी ओर अपने सेवाभावी स्वभाव के चलते हमेशा लोगों के मन में बसने वाले श्री सोनग्रा भी पीछे नहीं हटे, शाजापुर में विभिन्न सौगातें भेंट की। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न स्थानों पर सोनग्रा मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित हुए। इसके पश्चात श्री सोनग्रा अपने जन्म दिवस को सेवा दिवस मनाने निकल पड़े। इसी कड़ी में उन्होंने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्ध जनों की सेवा की, तो वहीं दूसरी ओर अनाथ आश्रम में बच्चों को मॉल से मंगवाए गए ब्रांडेड कपड़े भेंट किए। सिलसिला यही नहीं रुका, कई जगह खेल सामग्री व जरूरतमंदों को विभिन्न सामग्रियां भेंट की गईं। तत्पश्चात गुरुकुलम पहुंचकर वहां के विद्यार्थियों से भी श्री सोनग्रा ने भेंट कर अनगिनत भेंट प्रदान की। अपने सरल व सौम्य व्यक्तिगत के चलते श्री सोनग्रा जहां भी गए जनसमूह द्वारा आत्मीयता से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस अतुल्य प्रेम भाव के लिए श्री सोनग्रा ने सभी कार्यकर्ताओं, अनुयायियों व मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम में देवास जिला शिवसेना प्रमुख सुनील वर्मा उनके साथ उपस्थित थे। ये सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारा 15 अगस्त सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन हमें बड़े बड़े त्याग और तपस्या और बड़ी बलिदानों से मिला है, तो आप पूरे देशवासियों को शुभकामना है। और बड़ी अर्ज की बात ये भी है कि मेरा जन्मदिन भी है और बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज के दिन मेरा जन्म है। और मैं हमेशा मेरा जन्म स्थल जो नलखड़ा क्षेत्र से पैदा हुआ हूँ, और मैं हमेशा मेरे जन्मदिन में हमेशा बच्चों का नाथ बच्चों के साथ या भद्राश्रम के साथ जाता हूँ, मनाता हूँ और उनके साथ खुशियाँ बांटता हूँ और उनके चेहरों की खुशियाँ रौनक बड़ी खुशी महसूस होती है। उनके साथ खेलता हूँ, क्रिकेट की सामग्री, फुटबॉल की सामग्री, सारे खेल की सामग्री करने के बाद ब्रांडेड, ऐसे नहीं कि भैया हम सब कई अपने काम चलू कपड़े देते हैं, ब्रांडेड हम कपड़े मॉल से बांट कर उनको पहना कर उनके साइज के हिसाब से उनके चेहरों पर जो खुशी महसूस होती है वो मुझे अलग ही खुशी महसूस होती है। और इसी के साथ मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि प्लीज़ आप सबके जन्मदिन आता है, कम से कम एक कार्य अच्छा करें, किसी की मदद करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। और मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े स्टेज और बड़ी चीज़ बनाते उससे अच्छा है तो कम से कम वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में जाकर जन्मदिन मनाना चाहिए। भाई साहब, एक आरक्षण का भी मामला सामने आ रहा है, इस प्रकार से देखते हैं क्या कहेंगे? आरक्षण की बात में देखो अगेंस्ट मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये आरक्षण के ऊपर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आपने पूछ ही लिए तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आरक्षण किसके लिए बना था, कब के लिए बना था, कितने समय के लिए बना था, ये आप भी जानते हैं। धीरे 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 गले की हड्डी बनती गई, कैसे बन गई, आज क्या है। देखिए, आरक्षण ऐसे बच्चों की जरूरत है यार, इन बच्चों की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, यह आरक्षण मिलना चाहिए। भद्र आश्रम में जाके कुछ सेवाएं मिलनी चाहिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनको आरक्षण, फुल आरक्षण मिलना चाहिए इनको, इनको मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को। आरक्षण आर्थिक स्थिति के ऊपर मिलना चाहिए। देखिए, आज मैं लाखों रुपए का टैक्स भरता हूँ, अब करोड़ों का टैक्स भरता हूँ, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। बट मेरे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनके वस्त्र नहीं मिलते, क्या उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? पंडित को आरक्षण की जरूरत नहीं है, राजपूत को आरक्षण की जरूरत नहीं है? तो आरक्षण को मेरे हिसाब से कहा जाए ये केंद्र का मामला है। फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, केंद्र तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण को लागू किया जाए, ये मेरा सजेशन है। मैं विरोध नहीं हूं आरक्षण का, बट जिसे जरूरत है, रियल एजुकेशन, आरक्षण क्या है? सर, हम कुछ तो ऐसे ही सर 40 नंबर में बच्चा पास हो रहा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो 90% से बच्चा बढ़ रहा है वो पीछे है। कॉमन सेंस की थोड़ी सी सोचने की बात भी आती है, 40 नंबर बनकर वो ऑफिसर बन के बैठा है, 90 नंबर लेकर वो प्यून में है, तो नॉलेज किसको ज्यादा होगा? सोच के देखिए, अब कैसे हमारा देश खत्म हो रहा है, हमारे देश में परिस्थितियां खराब क्यों हो रही है? ये छोटी छोटी चीजों को ठीक कर ली जाएगी ना तो भारत से बलवान ना तो है ना कोई और बन सकता। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ध्वज वृद्धि इकाई से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। मेरे साथ में सुनील जी, हमारे देवास के जिला अध्यक्ष शिवसेना से। कल शिवसेना ने 5100 डमरू से
महान मेरा जन्मदिन मनाया, महा 5100 डमरू सा महाकाल की आरती उतारी हमें, हम सबको आमंत्रित किया गया था। हमारे जो जमात साहब हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमारी बहन जो प्रदेश अध्यक्ष है, सब ने मिलकर ये पहल शुरू की है। मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और जितने सुन रहे हैं उनसे भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि अपना जन्मदिन पर अनाथ बच्चे और वृद्धाश्रम में जाकर सेवाएं कीजिए, खुशियां अलग मिलेगी और वो मनाने का मजा ही कुछ होता है। और एक बात और देश के लिए कहना चाहूंगा, देश की प्यार करना ही है तो बलाओं में क्या रखा है, प्यार करना ही है तो बलाओं में क्या रखा है, देश से करो। पूजा ही करनी है, पूजा ही करनी है तो चारों धाम तो अलग बात है, बट हमारे माता पिता की पूजा कर लीजिए, आप अपने जीवन को कई पितृ दोषों से दूर हो जाएंगे। और भारत देश में एक बात और छोटी सी रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि आज 15 अगस्त है मेरे जन्म उत्सव का आज दिन भी है और ये त्याग तपस्या का दिन भी है, त्याग तपस्या के साथ साथ बलिदान का भी दिन है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, यदि हर कोई भारत देश में प्यार करता है, प्लीज रोजगार की बात करें, युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाएं, भारत देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। मैं भी 1,00,000 युवाओं को रोजगार बढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ, मैं बढ़ाऊंगा और उन्हें 1,00,000 रोजगार तक मैं पहुंचाऊंगा। ऐसे थोड़ी छोटी जवाबदारी हम सब उठाएंगे तो ये भारत देश बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। मैं युवाओं से एक ही चीज़ कहना चाहूंगा, निराश ना हो, हम आपके साथ हैं, निराश ना हो, हम आपके साथ हैं। अंतिम वाणी आपके साथ बात करते हुए इस सेशन के साथ आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा नाम सूरज सिंह सोनगर, राष्ट्रपुत्र है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समाज आए और सारी समाज में हम समाज और सारी समाज हमें समाज। भाई साहब का जन्मदिन नहीं मनाया आज, आज भाई साहब ने अपने जन्मदिन के एक उत्सव को ऐसे बच्चों के बीच मनाया जिनके लिए उन्होंने जो सोचा विचार किया वो पूर्ण भी किया, उनके लिए ऐसे वस्त्र जो उनको रोज डेली उपयोग में आए, उनके लिए व्यायाम के रूप में जो खेल के रूप में बढ़ावा मिले, ऐसे उनको जो खेल की सामग्रियाँ हमारे बास्केटबॉल और क्रिकेट की सामग्रियाँ उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन उनका भाव जो मुझे देख के ऐसा लगा कि उन्होंने जो विचार इन बच्चों के बीच में रखे, जो नॉलेज के रूप में रखा, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सामग्रियों के साथ साथ जो नॉलेज इन्होंने बढ़ाया वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज इन्होंने यहाँ जन्मदिन मनाया लेकिन शिवसेना के माध्यम से साजापुर के अंतर्गत साजापुर क्षेत्र में वहाँ की शिवसेना के पदाधिकारियों ने भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5100 डमरू की महामंगलनाथ जी महाराज की आरती रखी। वहाँ पर इतनी मात्र शक्तियों ने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया जो कि उनका आशीर्वाद उनका पर आज ये सफल आयोजन की ओर अग्रसर हुआ। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे दादा भाई को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही खुशी का माहौल है। दादा भाई ने आज यहाँ पे आके छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया, और सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना जन्मदिवस ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ मनाएं। आपका बच्चा दीपिका शेखावत, राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना, दहेज विरोधी का ही प्रदेश अध्यक्ष। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।